Hi guys, this is Monica and you are watching One Film Beat. Well, दोस्तों जब से फराह खान घर में टास्क लेकर घर से बाहर गई हैं तब से जो सोशल मीडिया पे एक्स कंटेस्टेंट और जो बिग बॉस लवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा फराह से नाराज़ हुए हैं और नाखुश हैं। वेल गौहर ने हाल ही में एक ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से हमने घर में देखा कि फराह खान कहती है एजाज को सपोर्ट करते हुए कि ये सीनियर है तो टूवर्ड्स इनके तरफ थोड़ा इज्जत दो, इनको थोड़ा रिस्पेक्ट दो, ये रिस्पेक्ट थोड़े डिजर्व के रियल हकदार है, तो जहाँ पे जो है सीनियरिटी की बात पे गौहर ने दिया फराह को मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, वो ट्वीट करके उन्होंने कहा कि पहली बात ये गेम है, यहाँ पे हर कोई इक्वल है, और रही बात अगर सीनियरिटी की कि सीनियर है इसलिए रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो पवित्र पुनिया ने जिस तरीके से गौहर को अब्यूज़ किया था उनके पीछे पीठ पीछे और साथ ही में जो है नॉट जस्ट गौहर की पूरी फैमिली को भी अब्यूज़ किया था, तो एज अ सीनियर उन्होंने जो है पवित्र की क्यों नहीं क्लास लगाई फराह खान ने कि जब सीनियर की बात की बारी आई थी तो जिस तरीके से हमने देखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है गौहर ने उछाली सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं कामया ने भी गौहर का समर्थन दिया और वो भी फराह के इस डिसीजन से कहीं ना कहीं नाखुश हैं। उनको भी लगता है कि कंटेस्टेंट्स गेम खेलने आए हैं तो इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। पर दोस्तों आप लोग मुझे बताओ आपको क्या लगता है, फराह खान ने जो कहा ये सही है आपके हिसाब से गेम में हर कोई इक्वल होना चाहिए, या आपको लगता है सीनियर्स को थोड़ा रिस्पेक्ट ज़रूर मिलना चाहिए, और गौहर की बात से आप लोग कितने सहमत रखते हो कितने नहीं आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ में सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।